बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि जाया चला गया। मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं निकला। ये समरात क्या है? मेहनतें, मेहनतों के समरात का ज़िया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखी है, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। बी प्रिपेयर्ड। एक शायर के अशार हैं, वो कम्युनिस्ट था, मैं नाम भी नहीं लेता, लेकिन यह कि ये इसी इंकलाबी, चूंकि उनका भी एक इंकलाबी नजरिया है, इंकलाबी अमल में ये सारे मराहिल आते हैं। कोई सेटबैक आया, फर्ज कीजिए कोई नाकामी हो गई, तो अपने साथियों को दिल बंधाने के लिए ये फसल उम्मीदों की हमदम, इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबहों शामों की अब के भी अकारत जाएगी। मेरे नबी के समरात का जो लफ्ज यहां आया है, वनक्स मिन अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, सब मेहनत सुबहों शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सेंचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। एक मकसद है सामने, इंकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए, कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट। फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मरतबा नाकाम हो के बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मरतबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक कि कामयाबी हासिल नहीं होती, हमें यह काम किए चले जाए। देखिए सीरत में आया कि नहीं ये वाकया। बदर में मुसलमानों को फतह हुई, तो ओहद में जक पहुंची कि नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए कि नहीं। अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे। तो फरमाया वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें लाज़मन आजमाएंगे खौफ की कैफियत से, फकरो फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के जाय हो जाने से। वबश्शिरिस साबिरीन, और ए नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो कि जब उन पर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहे कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ये वही अंदाज है जो मैंने फारसी का शेर सुनाया था आपको कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वो हमारा मौला है, हमारा आका है। अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर। मैंने तस्लीम और रजा की बात की थी ना, आपको कुछ शेर सुनाए थे। एक शेर और सुनिए, और ये किसका है, मोहम्मद अली जौहर का। एक मरतबा जेल गए, उनकी एक बेटी जवान बीमार हुई, फौत हो गई। बाहर छोड़ा अंग्रेज ने, जाओ भाई दफन कर दो बेटी को। दूसरी मरतबा जेल गए, दूसरी जवान बेटी उसी मर्ज में मुब्तला हुई। अब यह जेल में है, खबर पहुंची कि दूसरी बेटी के ऊपर भी उसी मर्ज का हमला हुआ है। एक नज़म लिखी है जिसका आखिरी शेर यह है, तेरी सेहत हमें मंजूर है, लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। यह है, जब तक यह कैफियत ना हो, इस मैदान में आदमी साबित कदम नहीं रह सकता कि मेरे रब को अगर ये मंजूर है तो यही मुझे मंजूर है। और तेरी सेहत हमें चाहिए तो जरूर, लेकिन हमारे रब को मंजूर नहीं तो हमें भी मंजूर। राजी बरज़ाए रब। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न शबद नसीब दुश्मन के, शबद हलाके तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आज़माई। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही है वो लोग जिन पर उनके रब की तरफ से इनायतें हैं और रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही है वो लोग जो कामयाब होने वाले हैं, हिदायत पाने वाले, हिदायत याफ्ता। इसी सूरह बकरा में जरा आगे चलकर, ये तो है 20वां रुकू, 19वां रुकू, भी 21वें रुकू की पहली आयत है, लैसल बिर्रा तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बासाए वहीन अल-बास। अब ये आयत जो है सूरतुल अस्र में जो मज़ामीन आए थे सारे इसमें मौजूद हैं। वहां ईमान का लफ्ज आया, यहां 5 ईमानियात की तफसील आ गई, अमाल की तफसील आई, और आखिरी बात वहां क्या है, वह तवासौ बिस्सब्र, और यहां क्या है, वस्साबिरीन फिल बासाए वद्दर्राए वहीन अल-बास। और सब्र करने वाले, असल नेकी उनकी है जो सब्र करें, किसमें, जंग के वक्त, जर्राए बासाए, बासा कहते हैं फक्र और फाका, वाहिद आएगा बास तो उसके मानी जंग, और बासा जमा में आएगा तो फाका, फक्र भूख, और जर्राए जिस्मानी तकलीफ, जरर, जिस्मानी तकलीफों में सब्र करने वाले, फक्र और फाके में सब्र करने वाले, और जंग के वक्त सब्र करने वाले, उलाइका अल्लज़ीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। ये हैं वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये हैं जो सच्चे हैं, जो अपने दावे में नेकी के और ईमान के सादिक हैं, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी। अगली सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें 2 लफ्ज आए हैं, आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए यहां सब्र और साबिर, जो ताल्लुक जोहद और जिहाद का है, वही है सब्र और मुसाबरत। सब्र एक तरफा अमल है, आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र अनिल मासिया, सब्र अनिल ताआ, सब्र अनिल इब्तिला, ये सब क्या है, सब्र। और मुसाबरत क्या है, सब्र का सब्र से मुकाबला। ये सूरह आले इमरान, अब वक्त नहीं है मैं आपको सुनाता, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें जख्म पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी, उनके 70 नहीं मारे गए थे बदर में, उनके हौसले जो हैं वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके, तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो, तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए, लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए, कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्फ करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ करते हैं, और हों वो खाते पीते घरानों के लोग। ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर यह है कि वो दीन के काम में लग जाए, बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए, उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी। तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है, मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते नहीं अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार ना हो। उसने गर्दन कटवाई कि नहीं कटवाई, और किस तरह कटवाई है, क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का, फिरौन किस्म का शख्स था, जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेजे के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी कैफियत थी ना, उसको ध्यान में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी। तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, जो नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं। समझ रहे, क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये तुम्हारे खुलूस की आजमाइश है, ये तुम्हारे इम्तिहान का सबूत दरकार है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है तुम उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो कि नहीं, तुम उसके लिए तनमन धन लगाने को तैयार हो कि नहीं। और ये जान लो कि अगर कुफार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन और बातिल नजरियात वाले वो जो कुछ कुर्बानियां अपने बातिल नजरियात के लिए दे रहे हैं उनसे ज्यादा अगर तुम नहीं दोगे तो हक गालिब नहीं होगा। उन्होंने जो सब्र किया है अपने बातिल नजरियात पर, अगर तुम उससे ज्यादा सब्र का सबूत नहीं दोगे अपने इस हक पर तो हक गालिब नहीं होगा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू वस्साबिरू, न सिर्फ यह कि सब्र करो बल्कि सब्र में अपने दुश्मनों से आगे निकलो, उनके सब्र से बढ़कर सब्र करो। वराबितू, मुराबता कहते हैं चौकस रहना, होशियार, पहरा दो, ऐसा ना हो कि दुश्मन जो है गफलत में तुम्हारे ऊपर कोई हमला जो है कर बैठे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ।